सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अमरकंटक जाएंगे। यहां वे नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा जारी करेंगे और नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का समापन करेंगे। अमरकंटक का अपना ही एक राजनीतिक इतिहास रहा है। कहते हैं यहां जो भी नेता आता है वह अपना पद गंवा देता है। आइए जानते हैं कि क्या कहता है इतिहास। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब अमरकंटक के दौरे पर आई तो उसके दो साल बाद ही 1984 में उनकी हत्या हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा बाबरी मस्जिद ध्वंस के मामले से पहले यहां आए थे और उस यात्रा के बाद उनकी कुर्सी चली गई थी। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह अपने कार्यकाल के दौरान यहां आए थे और बाद में उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ी। मौजूदा समय में केंद्र सरकार में मंत्री उमा भारती जब एमपी की सीएम थी तब 2004 में वही यहां आई थी और उसके बाद ही उन्हें कुर्सी से हटना पड़ा था। पूर्व उप राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमरकंटक हेलीकॉप्टर से आए लेकिन उसके बाद उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। इन सभी उदाहरणों में एक समानता है, वे सभी नेता हेलीकॉप्टर के जरिए अमरकंटक गए थे। यह उदाहरण सामने आने के बाद नेताओं ने हेलीकॉप्टर से यात्रा करने से परहेज किया। उमा भारती भी जब भी अमरकंटक गई तो सड़क मार्ग से ही गई। उत्तर प्रदेश में भी अमरकंटक की तरह ही ऐसा ही डर रहता है। कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसे उत्तर प्रदेश की सत्ता गंवानी पड़ती है। यही कारण है कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के दौरान कभी नोएडा नहीं आए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।